हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्हें तो मैं दुर्योधन मानता हूँ। हम इनकी जड़ पहाड़ कर रख देंगे बीजेपी वालों की। तो बिल्कुल हम लगातार गाजीपुर बॉर्डर से आपको तस्वीर और वीडियो और इंटरव्यूज और लोगों की जुबानी किसान आंदोलन और कृषि कानून के बारे में आपको हम बता रहे हैं। लोगों ने अपने जज्बात यहां पर हमें बयां किए कि किस तरह से वो लगभग 3 महीने से यहां पर जुटे हुए हैं। हार्ड गला देने वाली ठंड हो या 50 डिग्री अब टेम्परेचर, मुझे लगता है कि 15-20 दिन में या महीने भर में हो जाने वाला है। तो ये किसान है जो देश के अंदर अन्न पैदा करता है और ये अन्न है जिसकी बुनियाद पर मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। मुझे लगता है कि राकेश टिकैत के जो आंसू थे इस आंदोलन को एक बार पुनः उन्होंने खड़ा कर दिया, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह के आंसू हर दिन इस देश की आवाम रो रही है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये आंदोलन और आगे जाएगा। भले ही सरकार इस समय निष्ठुर और तानाशाही बनी हुई है, लेकिन ये जो जनता है जो यहाँ पर बैठी है वो पढ़ा लिखा कौम है। उनके भले शक्ल से ये भोले भाले लगते हों, लेकिन इनके बेटे हैं जो बेटा बेटी तमाम जो बड़े बड़े ओहदों पर है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है किसान आंदोलन की। हमने देखा कि यहाँ पर लंगर लगा हुआ है, हर तरह की आप यहाँ पर आएंगे तो आपको खाने पीने की पूरी सुविधा है, यहाँ रुकने की सुविधा है, इस समय फसल कटने का अवसर है। तो यहाँ पर जो रोटेशन पे किसान अपने गांव गया हुआ है, जो लगातार यहाँ पर जो भीड़ है आंदोलनकारियों की वो भी बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं है कि भीड़ घटी है और ये इस समय और लोग ये अनशन पर बैठे हैं और ये गांधीवादी नेता है, गांधीवादी सोच है। लेकिन एक सवाल होता है कि जब सरकार इतनी निष्ठुर है, सरकार इतनी तानाशाही है, तो ये जो अनशन है मुझे लगता है थोड़ा बेमानी हो जाता है मेरे हिसाब से, क्योंकि सरकार को दयावान होना चाहिए और उन्हें पूछना चाहिए कि भाई जो भूखे पेट हैं अनशन पर बैठे हैं और उनकी सुगबुगाहट लें, क्या अभी तक सरकार की तरफ से कोई आपके पास कोई आया है? अनशन पर बैठे हैं आठ बजे से और सुबह को 8 बजे तक रहते हैं अनशन पर। सरकार की तरफ से कोई आपके पास अनशन तुड़वाने के लिए, खुलवाने के लिए कोई आया? हमारे पास कोई नहीं आया, हमारे कार्यकर्ता खुलवाते हैं, हमें बिठाते हैं। अच्छा, वे तो दुर्योधन हमारे तो जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्हें तो मैं दुर्योधन मानता हूँ। हमारे तरफ कहता आ जाएंगे, वे तो दुर्योधन, वे तो अपने को एक दुर्योधन है, दुर्योधन। अच्छा, एक मिनट मैडम, मुझे महाभारत में दुर्योधन ने मैंने एक सवाल किया, मैंने छोटा सवाल किया, जब हम अनशन पर बैठते हैं तो हमारी सोच होती है कि गांधीवादी समानता, बाबा साहब की विचारधारा, वो जो कहते थे कि समानता सब इक्वल होना चाहिए, जो सरकार है जिन सरकार को आप दिखाना चाहती है कि मंचन पर बैठे हैं भूखे पेट हैं और उन्हें कोई उनकी शक्ल पर कोई शिकन नहीं हो रहा, तो मुझे लगता है कि वो सोच रहे हैं कि भूखे हैं, भूखे मर जाएं, जैसे कि 200 किसान यहां पर मर चुके हैं। क्या कहेंगे आप? जब भारत वर्ष के हर एक जनता जब भूख हड़ताल पे बैठेगी ना, तब जब कि जो नब्ज है ना मोदी जी का, वो देखने लायक होगी। अभी तो कुछ हम लोग हैं जो 24 घंटा हम लोग अनशन पर बैठे हैं, लेकिन जब पूरे भारतवर्ष की जनता जब जागरूक होके 24 घंटा भूख हड़ताल पर बैठी, 24 घंटा ही नहीं अब डेली वो बैठेंगे, जब तक ये मोदी सरकार के कानों में ये गूंजेंगे नहीं ना। कहते हैं कि गूंगे बहरे सरकार को जगाने के लिए एक धमाके की जरूरत पड़ती है, तो वो हमारी बलिया मांगते हैं, वो चाह रहे बलि मांग रहे हैं, वो हर एक 135 करोड़ जनता की बलि मांग रहे हैं। ऐसे आप तो जानते हैं कितनी बलिया चढ़ चुकी है, उनकी जमीन मर चुकी है, उन्होंने अपने जमीन को अंबानी अडानी के हाथों बेच चुके हैं। ये बहुत गलत कर रहे हैं, ये इंटरनेशनल क्रांति है, ये इमोशनल क्रांति है, ये हमारे हिस्ट्री में ऐतिहासिक काला दिन के नाम से ये गूंजे जाएंगे, स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाएंगे। मोदी सरकार मुझे नहीं लगता है कि भारतवर्ष का है, क्योंकि हम सब भारतीय एक दूसरे के लिए जान प्राण देते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना किसान भाई, इनका तो आराम से निकल जाएगा, खेती करेंगे, अपना पेट पाल लेंगे, लेकिन परेशानी 135 करोड़ जनता को होगी। और जो सिख भाइयों को खालिस्तानी बोलते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी भारतवर्ष के हैं। यदि वो भारतवर्ष के होते तो अपने नाम के साथ भारतीय शब्द जरूर लगाते, जैसे मैंने अपने नाम के साथ भारतीय शब्द लगा रखा है, नीलम गुप्ता भारतीय। मीन्स जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल, हम सब एक हैं और भारतीय हमारा पहचान है।
लेकिन आपको तो परजीवी आंदोलनकारी कहा जा रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये जो परजीवी और हमें आंदोलन जीवी कह रहे हैं, 2014 से पहले कौन से थे? ये एलियंस थे, ये आसमान से आए थे। ये जब हम अनशन चलता था, हमारा आंदोलन चलता था किसानों का, तो राजनाथ सिंह जी आके उसका समर्थन करते थे, और आज वो कानों में वो तेल डाल के बैठे हैं। या तो शायद उनकी चल नहीं रही है, या उनकी कोई सुन नहीं रहा है, या मोदी जी जो है ना वो हिटलर तानाशाही पे आ गए हैं। वो अपने आगे लगता है कि क्या मोदी सरकार चला रहे हैं, इसके पीछे कौन है? अंबानी अडानी। देखिए, इसके पूरा बच्चा बच्चा जानता है, इस देश के पीछे सिर्फ दो ही आदमी है और इनके मालिक अंबानी और अडानी है। और उसके पीछे भी कौन है? उसके पीछे देखिए वो आरएसएस संघ जो कह ये देखिए वो पूरा पूरा देश को पता है इसके पीछे कौन है। 26 जनवरी को जो घटना हुई थी ना, वो आरएसएस का ही सारा षड्यंत्र था हमारे किसान भाइयों को आंदोलन को नष्ट करने के लिए। जबकि मोदी सरकार ने भी कहा था कि पवित्र आंदोलन है, सिख कौम दुनिया का सबसे पवित्र कौम है, और ये पूरी दुनिया को लंगर चखाते, किसान भाइयों को जो पसीना है ना, दुनिया का सबसे पवित्र चीज़ है, इसकी गरिमा को मोदी जी को बनाए रखना पड़ेगा। ये तो अभी एक बात जा रहे हैं हमारे बिजनौर में जो हों, हमारे मुस्लिम भाई 3000 जगह ढाबे लगे खाना दे रहे हैं, फिर बर्तन मांज रहे हैं बच्चे, है भेदभाव कुछ नहीं हो। और झालू में जो ये झगड़ा करा रहे थे हिंदू मुस्लिम का, मैं तो एसडीएम साहब को धन्यवाद देता हूँ, जो मलिक साहब हमारे बिजनौर के थे, जो झगड़ा थाम दिया। उन जिन लोगों को यहीं आना चाहिए था, वे झगड़ा करा रहे थे, तो क्या जो वो होगा जो किसी को गैर ले जाएगा, जिम्मेदारी उसकी है? उसने झगड़ा कराया जो उसे गैर ले गया था, और मुसलमानों को गैर अत्याचार हुआ उसमें झालू में। तो मैं तो कहता हूँ कि इनसे सावधान रहे, ये एक केवल इनके पास एक ही रास्ता हिंदू मुस्लिम का। और आज हिंदू मुस्लिम नहीं है, हम सब किसान भाई हैं, सब हम एक जगह बैठे हैं, रोटी खा रहे हैं 3 महीने से। और इन्होंने जो यहाँ तो हमें पिटवा रहे हैं गुंडों से, सलोनी के विधायक जो ये, और हो जो हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं हमारे बिजनौर में, इन्होंने नालायक को कुछ सलाह मारने जानी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री ने पहले भी यही काम करा था बिजनौर में, पहले भी यही काम करा था, एक दिन पहले झगड़ा कराया। और जहाँ भी गए हमारे प्रधानमंत्री पूरे देश में कि भाई जाटों को मार दिया तो सबको मार देंगे, ये इसी काम को। क्या लगता है कि सिर्फ जाटों का आंदोलन है? नहीं, जाटों का नहीं, ये सरकार ने कहा, सरकार ने कहा नहीं, ये तो जो भी कह रहे थे कि ये जो आतंकवादी हो, और कभी ये तो आतंकवादी भी कहते हैं, पाकिस्तानी भी कहते हैं, खालिस्तानी भी कहते हैं। अरे ये इन्होंने तो अभी तो 4 साल हो गए, इन्होंने रेट नहीं खोला, पेमेंट नहीं दिया, सिवा इनके पास और कोई रास्ता नहीं झगड़ा कराने के सिवा कोई रास्ता नहीं। मैं और एक बात और कहना चाहता हूँ मैं अपने किसान भाइयों से कि फसल को बर्बाद ना करे। ये पता नहीं हमारा धरना 24 लो भी चल सकता, हम इनकी जड़ पहाड़ कर रख देंगे बीजेपी वालों की। और हमारी सुन लो, उस अनाज को बर्बाद ना करे मेरे देश का किसान, उस अनाज को जो हे ला के जो हमारे जो लंगर चल रहे हैं उस अनाज को हे दे और सहयोग करे। भारत वर्ष के हर किसान भाइयों से विनर में निवेदन करती हूँ कि प्लीज आप अपना अनाज मत जलाओ और अपने संपत्ति को मत जलाओ, क्योंकि ये निकम्मी सरकार के लिए हम अपने घर को नहीं जला सकते हैं, क्योंकि सिर्फ मेरा और आपका बात नहीं है, ये पूरे जनता की बात है, पूरे हिंदुस्तान की बात है, ये इंटरनेशनल मतलब ये पूरा इंटरनेशनल इशू है, क्योंकि हम लोग सिर्फ भारत वर्ष को ही लंगर नहीं खिलाते हैं, हम लोग पूरा दुनिया को लंगर खिलाते हैं। ये पूरी दुनिया के लिए अनाज को बर्बाद मत करो, बर्बाद करके 24 में चला जाएगा प्रधानमंत्री। हाँ, ये बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि साफ तौर पे सबकी आवाज एक है कि ये सब समाज का आंदोलन है और ये सिर्फ किसी जाति विशेष का आंदोलन नहीं है। और यहां पर जो ये धरने पर बैठे हैं, और इनकी भी मांग है कि ये भी चाहते हैं कि इसका जो अंत सुखद हो, लेकिन सरकार निष्ठुर है। जहां राष्ट्रपति के अभिभाषण के अंदर 3 जो कानून हैं कृषि के, उसकी बड़ी महिमा मंडन किया जाता है, तो उसका मतलब साफ तौर पर है कि सरकार की मंशा इस किसान जो कृषि कानून है उसको लागू यथा बनाए रखने की है। क्योंकि इसी की वजह से टिकैत ने कहा है साफ तौर पर कि हम 2 अक्टूबर 2021 है, हम तब तक भी बैठ सकते हैं या उससे भी आगे बैठ सकते हैं, कि बड़ी बात है और ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। तो यार, ये संविधान का ये प्रस्तावना, ये मुख्य प्रश्न है। मुझे लगता है कि ये देश किसी हिंदू मुसलमान या उसके धर्म ग्रंथ से नहीं चलता, ये देश संविधान से चलता है। और इस संविधान की बुनियाद पर आज एक महिला बैठी है, और ये ताकत है इस महिला की, जो आप बड़े बेबाकी से इन्होंने अपनी बात कही, बुजुर्गों के साथ बैठी है, बुजुर्गों ने अपनी बात कही। मुझे लगता है कि आंदोलन अब आगे बदस्तूर जारी रहेगा।
और आगे रहेगा तो हम डेमोक्रेटिक भारत, समता आवाज और तमाम जो बहुजन मीडिया है वो इस आंदोलन की सच्चाई को और इसकी तार्किकता को हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं। मैं महेश वर्मा गाजीपुर बॉर्डर से, मेरे साथी मनोज अंतानी को दीजिए इजाजत, शुक्रिया। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।